मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2022 में वो चुनाव लड़ेंगे यूपी विधानसभा चुनाव का। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सिद्धार्थनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे फिर मैं आपसे कह रहा हूं, 2 करोड़ की जनता के बीच में किन लोग कितनी संख्या को देते हैं उस संख्या का तुलना यहाँ पे कर लीजिए, हम भी देते हैं वो। ऐसा है फिर आप बहुत बहुत आपने बहुत विद्वान आप पत्रकार भी हो, तो थोड़ा सा जो केंद्र से उनको धनराशि मिलती है अंडर 14 फाइनेंस कमीशन, उसकी भी तुलना कर लो। तो एक सेकेंड, हर चीज का जो बजट मिलता है उससे तुलना करिए और उसका यूटिलाइजेशन करिए। इस तरह से प्रश्न जो पूछे उसका मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। मोहल्ला क्लिनिक जो है तो उससे तो बेहतर हमने टेलीमेडिसिन दिया है, टेली रेडियोलॉजी दी है, टेली कंसल्टेशन दिया है, हमारे CHC चल पड़े हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे। तो टेलीमेडिसिन जो मोहल्ला क्लिनिक है, जो कॉन्सेप्ट है वो टेलीमेडिसिन का ही है कॉन्सेप्ट मोस्टली। हमने बुलाई नहीं, हमने स्वागत बोल दिया, हमने क्या बोला आपने सुना नहीं। अखिलेश यादव कल अयोध्या में कह रहे हैं कि विष्णु के अवतार है भगवान राम मंदिर बनेगा, हम सब परिवार आएंगे, बीजेपी के राम नहीं। हमने तो कहा ही नहीं, हम तो हमेशा से कह रहे हैं सबके राम है, आप ही नहीं मानने को तैयार थे, आप ही तो अपोज करते थे क्योंकि आपकी तो तुष्टिकरण की राजनीति थी। हमने तो कहा था पुरुषोत्तम राज राम, अभी ने तो कहा था राम राज होना चाहिए, हम तो कह रहे थे, आप ही के सहयोगी आप ही लोग मिलकर उसका विरोध कर रहे थे। कौन जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ता था, उन्हीं के साथ आप हाथ मिला रहे थे ना। चलिए तो फिर उन्होंने करवाया तो हमें तो करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, फिर बता दे हम क्या कर रहे हैं। आप ही ने सब कर दिया तो आप बताओ ना, आपने क्या जो करा तो हमें करने की क्या जरूरत पड़ रही है, पे हमें पड़ रही है तो आपने कुछ नहीं किया। और आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वाया दिल्ली यूपी की सियासत में कदम बढ़ा दिया है। केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएगी। लेकिन आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहा हूं, आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए, यूपी से बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। अगर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है तो यूपी के लोग इतने लंबे लंबे पावर कट क्यों बर्दाश्त करें। अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो यूपी में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए, यूपी के लोगों के इतने ज्यादा बिल क्यों आ रहे हैं। अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं तो यूपी के सरकारी स्कूल इतने बदहाल क्यों हैं। आज उत्तर प्रदेश को प्रगति की राह पर चलने से कौन रोक रहा है, यूपी की गंदी राजनीति और भ्रष्ट नेता। यूपी के लोगों ने हर पार्टी के लोगों पर विश्वास करके उन्हें मौका दिया पर उन पार्टियों ने लोगों की पीठ में छुरा घोंपाया। सरकारें आई सरकारें गई मगर हर सरकार ने पिछली सरकार का भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूपी के लोगों को आखिर में क्या मिला। और केजरीवाल यूपी चले तो बीजेपी ने पूछा कि पहले 2 करोड़ वाली दिल्ली तो संभाल लें, यूपी कैसे चलाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लड़ेगी। उत्तर प्रदेश जो बदहाली से जूझ रहा है, चिकित्सा की बदहाली, शिक्षा की बदहाली, पानी की बदहाली, बिजली की बदहाली और कानून व्यवस्था की बदहाली, बेरोजगारी की बदहाली,
आज उत्तर प्रदेश की जनता इन तमाम परेशानियों से त्रस्त है, पीड़ित है, दुखी है और वो सारी पार्टियों से नाउम्मीद हो चुकी है। आम आदमी पार्टी 2014 और 17 का भी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है और 2 करोड़ की आबादी दिल्ली जिनसे संभल नहीं रही है, वो 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि वह ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी बातें कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, आम आदमी पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर जो हालत कांग्रेस की जनता ने की है उससे भी बुरी हालत आम आदमी पार्टी की होगी। और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बाद इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली से कोलकाता तक हलचल और सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी नेता शिकायत की फाइल थामे चुनाव आयोग पहुंच गए और आयोग से इस महीने बंगाल का दौरा वो करेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो उधर गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक बंगाल में बीजेपी के 25 नेताओं को अब तक सुरक्षा दी गई है। एक नेता को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है तो 8 नेताओं को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा और 10 नेताओं को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। उधर एक रैली में गरजते हुए ममता ने केंद्र पर प्रहार किया है और कहा है कि बीजेपी के एनआरसी से घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको बता दें कि जुबानी जंग पुरजोर जारी है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं जिसके मद्देनजर ये सब कुछ चल रहा है और बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं इसके मद्देनजर सुनिए। हमारे साथ इस वक्त भाजपा सांसद लौकिक चैटर्जी हैं। मैम, आप इलेक्शन कमीशन में गई थी, आपने कुछ सामने उनके मुद्दे रखे हैं कि सेंट्रल पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए और खास तौर पर एमसीसी लागू हो जाना चाहिए क्योंकि लॉ में प्रोविजन है इसके लिए। इतनी जल्दी एमसीसी आप क्यों चाहते कि लागू हो जाए? क्यों, आप लोग तो जानते ही है कि पश्चिम बंगाल में अभी संतराश का राजनीति ऑलरेडी शुरू हो गया है। हमारा 130 कार्यकर्ता का मौत हो गया है। नड्डा जी का गाड़ी, कैलाश जी का गाड़ी में इतना पत्थरबाजी हुआ है, हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में तो डायमंड हार्बर जब गाड़ी घुसा तो पूरा लग रहा है पाकिस्तान हो गया है। पुलिस के सामने ये सब हो रहा है, पुलिस कुछ भी नहीं किया। वेस्ट बंगाल पुलिस तुरंत ट्वीट करते हैं जो नड्डा जी का गाड़ी में कुछ भी नहीं हुआ था, तो पूरा देश पूरा देखा। लेकिन वेस्ट बंगाल पुलिस जो बोल रहे हैं वो तो सब लोग जानते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में पुलिस के सामने ये इलेक्शन तो नहीं होगा। ये जो सेंट्रल फोर्स है उसको इधर डिप्लॉय करके ये जो वोट जो इलेक्शन हो ये इलेक्शन होगा। लेकिन अभी जो डर का जो परिस्थिति अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तैयार कर रहा है इसमें तो वोट विदाउट वोटर्स होगा तो कैसे होगा? उसका तो यही प्लानिंग है, जो इतना डर का परिस्थिति तैयार करो तो वोटर्स बाहर नहीं आएगा, वोट नहीं देगा। तो इसलिए तो हम लोग तो कुछ करना भी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि आपने वहाँ के वेस्ट बंगाल स्टेट एम्प्लॉयज फेडरेशन के बारे में भी कहा है अपने चिट्ठी में, पुलिस कुछ लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन का भी हिस्सा है, आपको लगता है कि वो मिली हुई है सरकार से? ये सरकार तो अभी देखिए जो वोट होता है वो तो जनता का ऊपर होता है, लेकिन ममता बनर्जी का विश्वास नहीं है। 10 साल में जनता के लिए वो कुछ भी नहीं किया है, इसलिए उसको भरोसा क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन भरोसा है, उसको भरोसा क्या है? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उसको भरोसा है, वो सामने पूरा बोल रहा है कि आपके लिए हम लोग लड़ेंगे सरकार आने के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं लड़ेंगे तो उसका चाकरी भी चला जाएगा, नौकरी भी चला जाएगा। तो इसलिए वो बोल रहा है, एक मीटिंग में पूरा ओपनली बोल रहा है और वो मीटिंग में भी सब लोग सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी नहीं है, आप देखेंगे क्वेरी करेंगे तो वो बाहर का लोग है। और इस बीच बीजेपी विधायक सब्यसाची दत्ता क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। सब्यसाची दत्ता जी, सर आपने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की, आपने उनको मूल क्या बातें बताई? देखिए दो मूल मुद्दे हैं। एक, अभी वोटर लिस्ट 18 नवंबर को जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि काफी उसमें डेड वोटर्स, फेक वोटर्स, वोटर्स जो जगह छोड़ के चले गए उन लोगों का नाम है। और उसका इलेक्शन कमीशन से मैं मांग किया हूं कि आप लोग का पहला और मुद्दा है कि जितना इलेक्टोरल प्रोसेस को या इलेक्टोरल कॉलेज को जितना फ्री एंड फेयर कर सकते हैं, फ्री एंड फेयर करने के लिए आपका जो आदमी आप लोग डिपुट किए हैं उन लोगों ने किसी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, खास करके अभी बंगाल में जो टीएमसी के संगठन से जुड़े हुए हैं आदमी हैं, उन लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सभी आदमी खराब नहीं है,
सभी बेईमान नहीं है, लेकिन जो टीएमसी पार्टी से जुड़े हुए हैं उनसे आप क्या मांग कर सकते हैं? उनसे तो आप निष्पक्ष काम करने का उम्मीद ही रखना बेकार है। क्योंकि किस तरह से निष्पक्ष इलेक्शंस होंगे सर? आपने क्या होंगे जब वोटर लिस्ट में फॉल्स वोटर भरे हुए हैं, 50% वोटर ओरिजिनल है और 50% जो रहते ही नहीं है या गुजर चुके हैं या जगह छोड़ के चले गए। आपने मांग क्या रखी इलेक्शन कमीशन के सामने? कि आपने वोटर लिस्ट को फिर से जांच कीजिए। तो निष्पक्ष चुनाव हो ये मांग कर रही है बीजेपी। बंगाल में आपको बता दें कि ममता बनर्जी सियासी दुश्मनों से लेकर अपनों तक से घिर चुकी है। बीजेपी नेता शिकायत की फाइल थामे, चुनाव आयोग पहुंचे तो टीएमसी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बागी विधायक कभी ममता का हाथ छोड़कर नई सियासी पारी शुरू कर सकते हैं तो दूसरे विधायक जितेंद्र तिवारी भी ऐसा ही कुछ करते दिख रहे हैं। अधिकारी संबोधित कर रहे हैं, हजारों की जनता जो आई है आपको जो तालियां सुनाई दे रही है और जो लोगों का आह्वान कर रहे हैं ये कहकर कि मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ आया हूँ, मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि मैं किसके साथ रहूंगा, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि जिस तरह से बाहरी और घर की लड़ाई हो रही थी कि कौन बंगाल में एक व्यक्ति है, साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई सिर्फ बंगाली वर्सेज आउटसाइडर नहीं है बल्कि बंगाल के ही लोगों की लड़ाई है जो बंगाल के लोग लड़ रहे हैं अपनी जमीन पर। ये भी साफ कर दिया कि ऐसे कई लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और 11 बार हमले का प्रयास किया गया है शुभेंदु पर, लेकिन इससे डरेंगे नहीं। ये वो बात है जो अभी अपने स्पीच में शुभेंदु कह रहे हैं जैसे वो लोगों से बात कर रहे हैं। तो अभी तक आपने बीजेपी और अभी तक बीजेपी और निर्दलीय का पक्ष आपने सुना। जितेंद्र तिवारी टीएमसी के नेता क्या कह रहे हैं ये सुनिए। देखिए हम तो जो भी मेरे मुद्दे हैं मैंने कहा था कि मैडम सामने मैं बात रखना चाहता हूं और आरूप विश्वास जी के माध्यम से मेरे पास ये खबर भेजी गई है कि 18 को मैडम 5 मिनट समय दे सकती है, तो स्वाभाविक है कि मैं 18 को ही मैडम के सामने जो बात रखना है। इस बीच आपका कोई नया प्लान? नहीं, कोई प्लान नहीं है। हम लोग नॉर्मली ऐसा काम करते हैं डेवलपमेंट के लिए, सारे डेवलपमेंट वो काम करेंगे। देखिए मैं तो कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये आप नजरों के सामने है, आसनसोल की जनता के नजरों के सामने है, तो फिर लोग वेरीफाई कर सकते हैं। आरोप कोई भी कहीं भी लगा सकता है, लेकिन आरोप को वेरीफाई करने का जो तंत्र है वो सारे लोगों के पास है, वो लोग वेरीफाई कर लेंगे। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पहले शुभेंदु अधिकारी, उसके बाद अब नाम आ रहा है जितेंद्र तिवारी का। ममता का जो किला है एक तरह से इंद्रजीत, उसमें सेंध लगाने की पूरी कोशिश इधर बीजेपी की हो रही है, लेकिन पत्ते अभी तक खोले नहीं है इन लोगों ने भी। बिल्कुल, देखिए जितेंद्र तिवारी हो या शुभेंदु अधिकारी हो, अभी भी अटकलें ये लगाई जा रही है कि कब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी को ज्वाइन करेंगे या जितेंद्र तिवारी जो इस वक्त पार्टी के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने ये चिट्ठी लिखा है और खुद एक टीएमसी एमएलए हैं और एक मिनिस्टर के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने चिट्ठी लिख दी है उससे ये अटकलें लगाई जा रही है क्या उनके साथ भी बीजेपी का संबंध है, क्या बीजेपी के आला नेता उनके साथ संबंध बना चुके हैं और बात अंदर अंदर ही चल रही है, तो इसको लेके काफी अटकलबाजी चल रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कुछ देर पहले आज हल्दिया में एक रैली को संबोधित करते हुए फिर से तृणमूल कांग्रेस को निशाना साधा, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना जो रवैया है वो साफ नहीं किया है, कब वो तृणमूल से इस्तीफा देंगे, कब वो बीजेपी ज्वाइन करेगी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि वो जरूर बीजेपी ज्वाइन करेंगे लेकिन डेट अभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। अभी तक उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि कब वो दिन आएगा। हो सकता है, अटकलें ये लगाई जा रही है कि अमित शाह गृहमंत्री जब 19 और 20 तारीख को पश्चिम बंगाल के दौरा करेंगे तब हो सकता है कि वो अपना पार्टी से इस्तीफा दें। लेकिन इंद्रजीत, इस बीच एक और दौरा होने वाला है जिसको लेकर हो सकता है ममता बनर्जी जो है उनको शायद ये दौरा पसंद ना आए और वो है चुनाव अधिकारियों की एक टीम का। इंद्रजीत बिल्कुल, देखिए कल चुनाव अधिकारियों की टीम
एक टीम की आने की संभावना है कोलकाता, और उससे पहले आज आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी का, पश्चिम बंगाल बीजेपी का एक डेलीगेशन दिल्ली में जाके चुनाव आयोग के सामने ये सिफारिश रखी कि अभी से सेंट्रल फोर्स जो है उसकी तैनाती पश्चिम बंगाल में हो जाए, और उसके साथ साथ जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका भी लागू जल्दी से यहाँ पे हो जाए। बीजेपी का मानना है कि जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ था और बार बार बीजेपी कर्मियों की हत्या की जो आरोप तृणमूल पे लग रही है, उसके चलते बीजेपी का ये कहना है कि अपना कैंपेन अगर वो सही ढंग से करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उन्हें राज्य सरकार और राज्य सरकार की जो पुलिस है, राज्य पुलिस पे किसी भी तरह का कोई भरोसा नहीं दिख रहा। बंगाल को लेकर सियासत दिल्ली से कोलकाता तक हिचकोले खा रही है। वर्धमान में हत्या पर टीएमसी बीजेपी आमने सामने है तो ममता के बागी को सिक्योरिटी देकर सियासी इरादे जाहिर हो गए हैं। चुनाव दूर है लेकिन हिंसा झड़प जुबानी जहर भरपूर है। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। ये गुंडा राज जो हमें देखने को मिला है इसको नष्ट नाबूद करना है। बंगाल की सियासी बिसात में जीते जागते इंसान मोहरे बन गए हैं, लेकिन शतरंज के शह और मात वाले जितनी शराफत सियासी जंग से कोसों दूर है। यहाँ मोहरे पल भर में लाश बन जाते हैं। वर्तमान में बीजेपी के झंडे में लिपटी ये लाश पार्टी के कार्यकर्ता की है। परिवार और बीजेपी का आरोप है कि ये हत्या टीएमसी ने करवाई है। पश्चिमी बंगाल में लाइन ऑर्डर के दिखाई नहीं देता है। गुंडे सरेआम भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पथराव करते हैं, पुलिस देखती रहती है। बंगाल अपनी पहचान खो रहा है टीएमसी की गुंडागिर्दी के कारण, टीएमसी की हिंसा की राजनीति के कारण। ये पूरा झूठ है। वो जो मर गया वो तालाब में डूब के मरा, इसमें तिलोमूल का कोई लेना देना नहीं है। जिस वर्धमान में ये हत्या हुई वहीं पर बीजेपी और टीएमसी की खुली भिड़ंत भी कैमरे में कैद हुई। शहर की दीवारों पर अपने अपने चुनाव चिन्ह बनाने की होड़ में दोनों तरफ के कार्यकर्ता भीड़ पड़े। बीजेपी के कमल निशान पर कई जगहों पर स्याही पुती भी। आरोप है कि ये कारगुजारी भी टीएमसी की है, लेकिन पुलिस कुछ सुनने को तैयार नहीं। ये तस्वीरें बंगाल के लिए नई नहीं है। करीब करीब हर जिले में ऐसी भिड़ंत हो रही है और खून भी बह रहा है। शायद दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं को इसकी आदत भी पड़ चुकी हो, लेकिन बात तब बड़ी हो गई जब हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल की सियासत के इस खूनी जंग से रूबरू हुए। बुलेट प्रूफ कार के चलते नड्डा तो इस हमले में बाल बाल बच गए थे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को टीएमसी के पत्थर झेलने पड़ गए। ये उसी हमले का नतीजा है कि विजयवर्गीय को भी अब जेड सुरक्षा दे दी गई है, जिसके तहत उनके काफिले में भी अब बुलेट प्रूफ कार शामिल हो गई है। निर्धारित कार्यक्रम होने के बाद भी पुलिस को व्यवस्था करना चाहिए, पुलिस ने बिल्कुल व्यवस्था नहीं की, और मैं समझता हूं कि बंगाल अपनी पहचान खो रहा है। चुनावी हिंसा की रफ्तार बता रही है कि चुनाव आते आते हालात और भी संगीन हो सकते हैं। सत्ता और वोट की ये महाभारत बेहद भीषण है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ये बात बहुत अच्छे से समझ रही है। सोलर प्रोजेक्ट का भी भूमि पूजन यहाँ करेंगे। साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री कच्छ के मांडवी में लगने वाले डिसलिनेशन प्लांट का भी भूमि पूजन करेंगे। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के उत्पादन और इस्तेमाल को बढ़ावा देने में जिसने दुनिया का नेतृत्व किया है और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को रियलिटी बनाने की दिशा में जो निरंतर प्रयत्नशील है, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गुजरात के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, भाजपा गुजरात के अध्यक्ष और सांसद माननीय श्री सी आर पाटिल जी, मांडवी के डिसेलिनेशन प्लांट के आधारशिला स्थल पर उपस्थित गुजरात के वाटर सप्लाई मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावड़िया जी, प्रवासन मंत्री श्री जवाहरभाई चावड़ा जी, गुजरात के गृह ऊर्जा राज्य मंत्री श्री प्रदीपसिंह जाडेजा जी, गुजरात के सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के कल्याण मंत्री श्री वासनभाई आहिर जी, सांसद श्री विनोदभाई चावड़ा जी, सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, देवी और सज्जनों,
आज गुजरात की धरती पर हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क और डीसेलिनेशन प्लांट की आधारशिला रखने के समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे प्रधानमंत्री भारत में सौ क्रांति के जन्मदाता है। उनकी दीर्घदृष्टि और साहस के बिना देश में बहुत कम समय में 36,000 मेगावाट से अधिक विशाल सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना संभव नहीं था। मुझे अभी भी याद है कि वर्ष 2009 में पूरे देश में सौर ऊर्जा के विषय पर किलोवाट में बात की जाती थी